नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। लोजपा की बात करते हैं तो लोजपा में खींचतान जारी है। ऐसे में तमाम पार्टियों के रिएक्शंस भी सामने आए, जहां आरजेडी के नेता भी ने भी कई बातें कही, जेडीयू के नेताओं के भी रिएक्शन सामने आए और तमाम जितने भी पार्टी हैं सभी की तरफ से कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर आया। कई लोगों ने नसीहतें दी, कई लोगों ने कहा कि हम चिराग पासवान के साथ हैं। अब कांग्रेस के पूर्व प्रभारी अध्यक्ष कौकब कादरी के द्वारा भी कुछ बातें कही गई है चिराग पासवान को लेकर। आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, जो भी घटनाक्रम है उस पर तो हम दुखी व्यक्त कर सकते हैं, हमारी सहानुभूति भी चिराग पासवान जी के प्रति है, लेकिन मुझे लगता है कि यह पारिवारिक मामला है और कहीं ना कहीं स्वार्थ भी बीच में ज़रूर आया है, क्योंकि पार्टी जो चलती है वो अपने आइडियोलॉजी से चलती है और संविधान से चलती है। जिस तरह से स्वर्गीय रामविलास पासवान ने एक नींव रखी थी लोक जनशक्ति पार्टी की, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है कि उसमें छिरण हुआ है और मूल रूप से इसमें अवसरवादियाँ तलाशी जा रही है। जो उनकी आइडियोलॉजी थी उस आइडियोलॉजी पर उन्होंने अपनी विरासत को अपने बेटे के सुपुर्द अपने जीवंत काल में किया था, लेकिन बाद के समय में जिस तरह से असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई या तूतू मैं जो हो रही है वो भी आश्चर्यजनक रूप से सामने उभर करके आया है। एक समय था जब परिवार पूरा एकजुट रहता था, आज सिर्फ जो है कि सत्ता के कारण कहिए या पद के कारण कहिए दोनों परिवार अलग हुए हैं। तो यह दुखद ही है, उनको बैठ करके इसको सुलझाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। अब तो संवैधानिक मामला है, दोनों तरफ से जो आपने देखा कि लोकसभा के जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं उनसे जाकर के अपनी बातों को रखा है, तो इलेक्शन कमीशन भी संज्ञान लेगी, देखिए आगे क्या होता है। बीजेपी के बारे में जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बारे में बोलते थे कि चिराग पासवान हम हनुमान हैं, तो बीजेपी का इसमें क्या योगदान है? देखिए, उगते हुए सूरज को सब लोग प्रणाम और नतमस्तक करते हैं। जिस समय परिस्थिति थी बिहार के चुनाव की, ये सही है कि बिना जो है कि भारतीय जनता पार्टी के शह के चिराग पासवान इतनी बड़े कदम को नहीं उठाते, तो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से अप्रोक्ष रूप से उनको समर्थन तो प्राप्त ही था भारतीय जनता पार्टी का, आपने देखा। लेकिन चूंकि सत्ता से काफ़ी दूर दोनों रह गए, इसलिए जो उसका जो असल जो मुद्दा था वो सामने जो है कि नहीं आ पाया, और उसका नतीजा है कि चिराग पासवान अपने स्ट्रेटेजी में भी कमज़ोर हुए, उनके विधायक नहीं आए। आज जो उनको जो अनुमान था कि उनके 25-30 विधायक आ जाएंगे, 100 सीट लगभग भारतीय जनता पार्टी की आ जाएगी, तो आज ये परिस्थिति नहीं होती जो आप देख रहे हैं। नीतीश जी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, और एक तरह से स्वीकार किया है नीतीश जी ने भी, जेडीयू ने स्वीकार किया है कि इनके चुनाव लड़ने से हमारे कई सीटों पर जो है कि उसका असर पड़ा और हार का जो कारण है वो इनके अलग चुनाव लड़ने से हुआ है। तो मुझे लगता है कि इनका उपयोग जरूर भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन खुल करके जो है कि आज जब विपत्ति में हैं तो सामने नहीं है, और आज रामविलास पासवान जी अगर जीवित होते तो ऐसी परिस्थिति नहीं आती। चिराग पासवान को क्या कांग्रेस में शामिल करना चाहेंगे? देखिए, हम तो हमेशा से चिराग पासवान का मामला नहीं है, कांग्रेस पार्टी हमेशा से अपने सिद्धांत आइडियोलॉजी को लेकर के चली है। ये महात्मा गांधी, पंडित जी, मौलाना आज़ाद और अम्बेडकर जी के विचारों को लेकर के आगे बढ़ी है, और हमारे विचारधारा के साथ समान विचारधारा, मेरे कहने का जो मतलब है कि उसको लेकर के अगर सब तमाम लोग अगर साथ आएँ तो उनका हम जो है कि स्वागत करेंगे। और ये तो हमारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी का हमेशा प्रयास भी रहा है कि समान विचारधारा के लोगों को एक साथ एक मंच पर आना चाहिए। तो ये तो उनको सोचना है कि कहाँ जाना है नहीं जाना है। अवसरवाद की राजनीति बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती है, आपको अपने आइडियोलॉजी पर रहना ही होगा, सिद्धांत पर रहना ही होगा कि किस सिद्धांत के साथ अपना चलना चाहते हैं। और ऐसे कई आपको जो है कि मिलेंगे रेफरेंस, कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे। तो एक संयम बहुत ज़रूरी है राजनीति में, और स्पष्ट रूप से आपका एक मैसेज जाना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं। अवसरवाद की राजनीति अगर करिएगा तो ये परिस्थिति हमेशा कभी चित कभी पट की होती रहेगी। तो आपने सुना कि उन्होंने चिराग पासवान के लिए क्या कहा है। उन्होंने कहा कि सहानुभूति हमारा चिराग पासवान के साथ है, ये जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था, हालांकि ये उनका उनके अंदर की बात है, अंदर का मामला है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि रामविलास पासवान जी अगर जीवित होते तो ऐसी नौबत नहीं आती। और कई बातें उन्होंने कहा,
साथ में आने के बारे में उन्होंने कहा कि चिराग पासवान अगर इससे सोच के हैं तो एक सोच के लोग एक मंच पे होने चाहिए, इसके लिए कांग्रेस जो है हमेशा उनके लिए दरवाजा खोल कर रखा है और ऐसे सोच के लोग अगर एक साथ रहें तो बेहतरीन होगा, और भी कई बातें उन्होंने कही। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए आप न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें।